हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब करेंगे क्लास 12 मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो सीबीएसई ने इशू किया है। सेक्शन ए हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है और साथ ही में आंसर शीट भी हमारी डाउनलोड है ताकि हम लोग साथ साथ आंसर मैच भी करते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को और हर क्वेश्चन के सोल्व पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर का इंटेग्रल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे इंटेग्रल फाइंड करना है लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फंक्शन देखने में पता चल रहा है कि कोई भी मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे टी वगैरह पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यानी कि मुझे इस फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना बहुत ही आसान है। हम लोग देख सकते हैं कि नीचे 1 प्लस लॉग एक्स है तो न्यूमिनेटर में 1 प्लस और 1 माइनस कर देंगे। सेम क्वांटिटी को प्लस या माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमने 1 प्लस और माइनस कर दिया। अब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे। 1 प्लस लॉग एक्स ये वाला पार्ट अलग हो गया और -1 वाला पार्ट अलग हो गया स्क्वायर डीएक्स। एक पावर खत्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर भी सेम चीज है 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स और साथ में 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है उसका होल स्क्वायर। देखिए अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए मुझे दूसरा फंक्शन भी चाहिए और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया जिसे हम लोग सेकंड फंक्शन के तौर पे ट्रीट करेंगे। ये वाला इंटीग्रल आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि कट जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे या आप ये देखने वाले हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिनको नहीं पता वो एक बार ऐसे देख सकते हो। यू मल्टीप्लाई बाई वी का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू सपोज कर लो एक्स सी। तो ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। मतलब पहले इसको सॉल्व करके फिर इस सारे फंक्शन का इंटेग्रल आप लोग करते हो लाइक दिस, ये चीज होती है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल 1 का इंटेग्रल माइनस बड़ा इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं अपन 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे, यू अपॉन वी का लगा देते हैं फॉर्मूला, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर माइनस, फिर न्यूमिनेटर और नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो ये तो टर्म 0 ही बन गई तो ये आपके पास बच गया 1 अपॉन एक्स और नीचे आ रहा है आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटेग्रल और इस सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये वाला हो रहा है। जब आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कल्ली कल्ली चीज, क्योंकि अभी सारी चीज इकट्ठी हो गई है तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो गया हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल बड़ा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटेग्रल और ये सारे का इंटेग्रल। इरेज कर लेते हैं, साइड वाला इरेज कर देते हैं और ये 2 लाइंस 3 लाइन इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ये तो एज इट इज है, 1 का इंटेग्रल एक्स होता है तो मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया माइनस,
माइनस वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वन का इंटेग्रल एक्स और ये सारे का इंटेग्रल करना है, और माइनस में जो दूसरी टर्म थी जिसे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, या आप बोल सकते हो वो एज इट इज ही हम लोग लेके चल रहे हैं, वो आ गई। एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन इंटू एक्स एक्स, तो एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया आपका वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, और ये टर्म आ गई आपकी नेगेटिव में। तो आपको शायद याद हो मैंने कहा था कि ये वाली टर्म कट जाएगी, तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, और ये हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग एक बार, तो एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स बिल्कुल प्लस सी, यस प्लस सी हम लोग लगाना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, यस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक चॉइस दी हुई है, तो लेट अस डू दैट चॉइस आल्सो। चॉइस है साइन टू एक्स अपॉन नाइन माइनस कोस फोर एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा जो है, मतलब चॉइस एज अ चॉइस यू कैन से साइन टू एक्स, साइन टू एक्स अपॉन नाइन माइनस कोस की पावर फोर एक्स है, बार देखना, यस एक्स इंटेग्रल डीएक्स। देखिए साइन टू एक्स की अगर बात करें, तो साइन टू एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कोज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू, और अगर कॉस की बात करें तो यहाँ पे साइन होगा, तो यहाँ से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि वो हमारा इजीली या मतलब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसको और यहाँ पे नजदीक से देखें, कोज स्क्वेयर एक्स को एक बार अपन टी पुट करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास टू कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय डी एक्स, यानी कि माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डी टी डिवाइड बाय माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया साइन एक्स कोज एक्स, और टू साइन एक्स कोज एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन टू एक्स के इक्वल होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेन में फंक्शन में पुट करते हैं, नाइन को आई कैन राइट थ्री का स्क्वायर, और कोज की पावर फोर को मैं लिख सकता हूं कोज स्क्वायर का स्क्वायर dx, अभी dx ही रहने देते हैं, इधर ये आप लोगों का dt आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, साइन टू एक्स को तो एज इट इज लिख दो, नीचे आ गया थ्री का स्क्वायर कोस स्क्वेयर एक्स को t पुट किया है तो t का स्क्वायर हो गया, और dx को dt डिवाइड बाय साइन टू एक्स, नेगेटिव है उसे बाहर लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन टू एक्स के साथ साइन टू एक्स कट खत्म, तो यू आर लेफ्ट विद वन अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। अब अगर आप लोगों को इंटेग्रल आता है तो आप लोग को पता होगा कि वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री है, प्लस सी नेगेटिव साइन आ रहा है, और टी जो है उसे अपन पुट कर देंगे कॉस स्क्वेयर एक्स और डिवाइड में थ्री, ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, प्लस सी। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी डन हुआ, आप इसको एज अ फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर सकते हो। जब आप लोग अपना ये चैप्टर अच्छे से करोगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो चॉइस में पार्ट था वो भी हमारा डन हो गया। चलिए एक बार आंसर हम लोग जरूर मिला ले। माइनस साइन इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस अपॉन 3 प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमारे डन हो गए। सेकंड करते हैं, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहीं पे कर लेते हैं ये। तो देखिए ये क्या चीज है, ये आपके पास डबल डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन एक्स है वाई है उसका डबल डेरिवेटिव किया हुआ है। तो ऑर्डर क्या हो गया, जितना डेरिवेटिव होता है, तो यानी कि ऑर्डर हो गया है सेकंड। टू डिग्री, जो ये सेकंड डेरिवेटिव आपने किया है इसकी पावर कितनी है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पावर यानी कि वन हो गई। तो पावर वन है तो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री भी वन हो गई। तो सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री पूछा हुआ था, तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। ऑर्डर होता है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, और डिग्री होता है कि मैक्सिमम पावर कितनी है। तो ये दोनों को ऐड करके आपने आंसर निकालना था, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। बहुत आसान है, एक बार आंसर हम लोग चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाइट लेंथी, लेकिन सेकंड आप देखो कि जो टाइम, बिल्कुल आंसर सही है। तो जो टाइम आपका फर्स्ट क्वेश्चन में लगा वो सारे का सारा सेकंड क्वेश्चन में आके मतलब आपको सेविंग में आ गया। चलो जी इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। ऑर्डर होता है कौन सा डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव की पावर को डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को। उसके बाद है ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, तो प्रूव करें ए प्लस बी कैप का मॉडुलस 2 cos θ/2, जहां पे थीटा एक एंगल है। ओके, तो ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नीट्यूड है इनका वो 1 डिग्री, 1 होगा। यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, नहीं हमें प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी, ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस। टू प्रूव ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 cos θ/2। यस, यही प्रूव करना है। जब भी आपको ये चीज ऐसे मिलती है किसी भी वेक्टर में, तो आप उसको दो पार्ट्स में लिख लेते हो, लाइक दिस। क्योंकि मैग्नीट्यूड, जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को जिसका मैग्नीट्यूड पता करना होता है, हम उसको दो ऐसे तरीके से लिख लेते हैं। इसकी रीजनिंग क्या था मैं बताता हूँ। अब ए को ए से करेंगे, ए कैप डॉट ए कैप, फिर ए की बी से करेंगे, ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप, फिर बी कैप डॉट ए कैप, और बी कैप की बी कैप से कर देंगे। अब ये आपके पास बन गया, तो ये आप लोगों का बन गया ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये भी इसी तरीके से बनता है, ए कैप मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल ही होता है, तो इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं 2 a कैप डॉट b कैप, और ये बन गया आपके पास बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो देखिए हमें फाइंड ही करना है स्क्वायर हटा के। मैग्नीट्यूड कैप ए का 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का 1 ही होगा, और इससे आप लोग क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी का लगा के ए कैप बी कैप कॉस थीटा। ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसका तो कुछ नहीं करेंगे। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 cos θ। क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों 1 है। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos θ बन जाएगा। अब ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो प्रूव करना है उसमें θ/2 आ रहा है, तो यानी कि cos2θ वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाली है, तो दैट इज 2 cos² θ-1। तो आपका ये बन जाएगा
प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू टू वन प्लस कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है सीन अपना कि टू लिखकर कॉस स्क्वेयर लिख दो, जो एंगल था उसका आधा करना है। तो इधर जैसे टू थीटा है तो आधा थीटा हो गया, लेकिन इधर तो पहले से ही हाफ है, तो उसका और हाफ कर दोगे तो दैट इज थीटा बाय टू हो जाएगा। तो टू इंटू टू फोर होता है, और फोर का रूट टू आ गया, और कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू का रूट कॉस थीटा बाय टू आ गया। और ये देख लो जी, यही आप लोगों ने प्रूव करना था और यही आप लोगों का प्रूव हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों का डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। जो लाइन दी हुई है इसके डायरेक्शन कोजाइंस पता करें। चलिए तो यहीं पे करते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता है एक लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लाइक दिस होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। वाई वन एक्स वन वाई वन जेड वन पासिंग पॉइंट होते हैं और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको जो इक्वेशन गिवन है ना उसको इस फॉर्म में प्रॉपरली लेके आएंगे। एक्स माइनस थ्री को हम लोग लिखेंगे माइनस कॉमन निकाल के एक्स माइनस थ्री, और डिवाइड में है माइनस वन। टू कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा वाई माइनस वन बाई टू डिवाइड बाई टू, और जेड अकेले को जेड माइनस जीरो लिख दो अपॉन फोर लिख दो। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस थ्री अपॉन वन आ गया। टू के साथ टू कैंसिल आउट हो गया तो वाई माइनस वन बाई टू आ गया, और ये z माइनस जीरो अपॉन फोर आ गया। तो अब देखो इसके साथ मैच करके प्रॉपर सही फॉर्म बन गई, यानी a की वैल्यू वन आ गई, b की वन आ गई, c की फोर आ गई। तो यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो आ गई आपके पास वन वन फोर। अब आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, रूट लेकर सभी के स्क्वायर को प्लस कर दो, सो यू विल गेट रूट 18। अब डायरेक्शन कोजाइंस का फॉर्मूला क्या होता था, अब व्हाइट बोर्ड पे चले क्योंकि स्पेस की अब कमी होगी उधर। डायरेक्शन कोजाइंस का फॉर्मूला ये होता था कि जो भी आपके पास होता था कंपोनेंट ए बी सी, जैसे एक्स वाई आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट होते थे, उनको वेक्टर के साथ आप डिवाइड करते थे मैग्नीट्यूड। जैसे ए हो गया, मैं वैसे लिखता हूँ, ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा। जैसे आपके पास ना कोई वेक्टर होता था ए वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट बन के सपोज कर लो ए एक्स आई कैप ए जे एक्स वाई और ए जेड। ये तो ए एक्स ए वाई और ए जेड, इनको तो बोलते थे डायरेक्शन रेशियो। फिर आप ए का मैग्नीट्यूड निकालते थे जो अभी बताया आपको कि स्क्वेयर करके सभी को प्लस करके रूट कर दो। और फिर जैसे अपन डायरेक्शन कोजाइंस निकालते थे तो कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। तो जैसे यहाँ पे अपने पास ना डायरेक्शन क्या आया है, वन वन फोर आया है, तो यानी कि वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस फोर के कैप। तो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं लाइक दिस। ऐसे कर लो आप लोग, मैग्नीट्यूड वन का स्क्वेयर एंड फोर का स्क्वेयर, तो ये आपके पास बन गया 18। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया रूट 18। अब यहाँ पे आप लोग को आंसर निकाल देना है। ए एक्स की वैल्यू वन थी, वन अपॉन रूट 18, ए वाई भी वन अपॉन रूट 18, और ए जेड की वैल्यू फोर है तो उसका मैग्नीट्यूड रूट 18 ही है। तो ये आपके पास आ गया। रूट 18 को फर्दर अपा कर सकते हैं फैक्टर बना के, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो थ्री रूट टू आ गया।
यानी कि वन अपॉन थ्री रूट टू, वन अपॉन थ्री रूट टू एंड फोर अपॉन थ्री रूट टू। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कोसाइन्स आप लोगों के आ गए। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, वन अपॉन ओके बिल्कुल सही आंसर हमारे, वन अपॉन थ्री रूट टू, वन अपॉन थ्री रूट टू, वन फोर बाय थ्री रूट टू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर भी आप लोगों का डन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गई, तो डायरेक्शन कोसाइन्स आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। अ बैग कंटेन्स वन रेड एंड थ्री व्हाइट बॉल्स, एक बैग में एक रेड और तीन व्हाइट बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन, दो बॉल्स ड्रॉ की गई है एट रैंडम फ्रॉम बैग, बैग से रैंडमली वन बाय वन, एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बॉल निकाल दिया आपने, दोबारा उसको नहीं रखा, उसी को मतलब अगेन जो बच गई बॉल उनमें से एक निकाल लिया। चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं सिस्टम। तो अपने पास रेड बॉल्स है थ्री, वन रेड बॉल्स वन, और व्हाइट बॉल्स है मेरे पास थ्री। इधर बॉल लिखेंगे क्योंकि एक ही बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई अपने पास, फोर हो गई, फोर। ओके, अब देखिए हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग एक रैंडम वेरिएबल की निकालेंगे, दैट इज एक्स। और रैंडम वेरिएबल क्या होता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल कितनी निकल सकती है। हमने टोटल दो बॉल्स निकाली है, तो हो सकता है कि दोनों की दोनों व्हाइट बॉल निकल जाए, या हो सकता है उनमें से एक रेड बॉल निकले और एक व्हाइट बॉल निकले। दोनों रेड बॉल तो निकल नहीं सकती क्योंकि रेड बॉल है ही टोटल एक है। तो इसका मतलब क्या है, जो रेड बॉल निकल सकती है वो या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। तो दिस इज रैंडम वेरिएबल जिसे मैं एक्स लिखता हूं। अब पी एक्स जीरो, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो रेड बॉल। आपको रेड बॉल मिली ही नहीं, यानी कि दोनों बार आपको क्या मिली है, व्हाइट बॉल। तो पहली बार जब आपा बॉल निकाली व्हाइट निकली तो फेवरेबल थ्री, टोटल बॉल चार है। दूसरी बॉल भी व्हाइट निकलेगी लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि व्हाइट बॉल कितनी बच गई आपके पास, दो, और टोटल बॉल्स भी कितनी बच गई, थ्री बच गई। तो यू आर गेटिंग वन बाय टू आ गया। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल, एक लाल बॉल आए। इधर मैं फिर ऐसे लिख देता हूँ बॉल। देखिए अगर एक बॉल रेड आ रही है, मान लो पहली बॉल रेड निकल गई तो वन बाय फोर आ गया, तो दूसरी बॉल व्हाइट निकलेगी, व्हाइट बॉल कितनी पड़ी आपके पास है, थ्री, लेकिन टोटल बॉल कितनी रह गई है, थ्री, क्योंकि एक रेड बॉल तो निकाल चुके हो। तो यानी कि यू विल गेट वन बाय फोर, ये आ गया। प्लस इसके साथ ही हो सकता है पहली बॉल आपकी व्हाइट निकली हो, जरूरी थोड़ी है कि आपकी रेड बॉल निकलेगी पहले उसमें चांस में। अगर व्हाइट बॉल निकल गई तो व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थ्री बाय फोर, थ्री व्हाइट है और टोटल चार है। अब आपने दूसरी बॉल रेड निकाली है तो रेड बॉल कितनी है, वन, लेकिन टोटल बॉल सिर्फ तीन रह गई क्योंकि एक व्हाइट बॉल आपकी निकल चुकी है। तो दिस इज अगेन वन बाय फोर। तो वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर कितना हो गया, वन बाय टू हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ पे आपका आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा पी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू एक तो जीरो है और एक वन है। जीरो पे प्रोबेबिलिटी वन बाय टू आई है और वन पे प्रोबेबिलिटी वन बाय टू आई है। तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डन हो गया। याद रखिए जब एक रेड बॉल निकालनी है तो एक रेड बॉल निकालने के दो तरीके हैं। हो सकता है पहली बार रेड आए, दूसरी बार व्हाइट आए, या फिर पहली बार व्हाइट आ जाए, दूसरी बार रेड हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर कि क्या हमारा आंसर सही आया है। आंसर शीट खोल लेते हैं हम लोग।
यस यू कैन चेक, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, 1/2, 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स निकाले हैं, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ भी रिप्लेसमेंट नहीं हुई, यानी कि एक कार्ड निकाल के उसको साइड में रख दिया, फिर बाकी जितने कार्ड बच गए दैट इज 51, फिर वहां से एक दूसरा कार्ड निकाला। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड। प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला कार्ड आपको रेड मिले एंड सेकेंड कार्ड जैक और दूसरा कार्ड आपको जैक मिले। अच्छा चल लिया, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ पे रेड कार्ड और जैक कार्ड में है, तो चलिए पहले तो उसी की बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब जो जैक कार्ड है, जैक कार्ड टोटल आपके पास होते हैं 4। 4 में से दो कार्ड होते हैं रेड और दो होते हैं ब्लैक। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हमें पहला केस बोला गया है, पहला केस ये बोला गया है कि 52 में से दो कार्ड निकाले हैं और आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, फर्स्ट कार्ड जो होना चाहिए दैट इज रेड कार्ड और दूसरा कार्ड होना चाहिए जैक कार्ड का। अब यही चीज है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड सेकंड कार्ड जैक, बिल्कुल यही चीज है। अब रेड कार्ड जो है वो हो सकता है आपका जैक निकल के आ जाए पहले केस में, या हो सकता है वो नॉन जैक कार्ड निकल के आए, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे। हम लोग पहला केस बनाएंगे व्हेन रेड कार्ड ड्रॉन इज जैक। अब देखिए जैक के कितने फेवरेबल कार्ड है जो रेड है, दो, और टोटल कार्ड्स कितने आपके पास 52, तो 2/52 आ गया। मल्टीप्लाई सेकंड जैक कार्ड। अब देखिए आपके पास टोटल जैक कार्ड 4 है, लेकिन आपने एक तो निकाल दिया क्योंकि रेड कार्ड जो था वो जैक वाले निकल के आ गया, तो 3 जैक कार्ड बच गए आपके पास और टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं 51, तो 3/51, तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 1/26 मल्टीप्लाई बाय 1/17। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर 26 मल्टीप्लाई बाय 17 दैट इज 442, तो 1/442 आ गया। अब केस टू की बात भी करनी पड़ेगी, व्हेन रेड कार्ड ड्रॉन इज अ नॉन जैक कार्ड या नॉट अ जैक कार्ड। अगर जैक कार्ड नहीं है तो क्या होगा। अब देखिए रेड कार्ड टोटल आपके पास कितने हैं, 26 कार्ड्स हैं। अगर जैक नहीं है तो यानी कि दो रेड के कार्ड्स कम हो गए, तो कितने बच गए आपके पास, 24 और टोटल कार्ड 52 है। अब दूसरा कार्ड जैक का होगा, तो जैक में अब आपके पास क्या बच गए हैं, 4 के 4। रेड वाला भी निकल सकता है ना, दूसरे में तो कोई कंडीशन नहीं है कि कलर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरा कार्ड तो बस जैक होना चाहिए, तो जैक के भी मेरे पास 4 के 4 कार्ड अवेलेबल है, लेकिन टोटल कार्ड मेरे पास 51 रह गए। तो अब मैं इसको भी क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, इसको सॉल्व कर ले, ये 13 पे, ये 17 पे, तो 8 डिवाइडेड बाय, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 221। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपके पास निकल के आएगी, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एडिशन करना पड़ेगा। 442 एलसीएम आ गया, 1+16 दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 442, और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं, वन बाय 26
ओके, इनका 1/26 आ रहा है। लेट अस चेक कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 17 को एक बार 442 पे मैं कट करके देखता हूँ, आई थिंक ये गड़बड़ हुआ है। यस ओके ठीक है जी आंसर सही है। कट करेंगे तो 1/26 से आ जाएगा 17 के टेबल पर ही, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया और सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।